गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप लोग? टुडे आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द कंटेंट दैट आई यूजुअली पोस्ट. आज आप लोगों को दिखाएंगे कि एक नॉर्मल वीकडे कैसा होता है. नॉर्मली जो राइड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ आर दोज राइड्स विच हैपन ऑन अ फ्राइडे, सैटरडे, संडे और एन एक्सटेंडेड लॉन्ग वीकेंड, जिसमें अपना शेड्यूल बिल्कुल फ्री होता है. सो आप लोगों को ये नहीं पता लगता कि वीकडे कैसा जाता है. एंड वीकडे में ना बिल्कुल एक ट्रेडिशनल स्ट्रगल है. बहुत सारे लोग सोचते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि यार यू विल बी हैविंग एवरी डे लाइक एन हॉलीडे बिकॉज योर पैशन इज़ योर वर्क एंड योर वर्क इज़ योर पैशन. ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारी लाइफ भी बिल्कुल सिंपल एक नॉर्मल जॉब करने वाले बंदे वाली लाइफ है. सो इट्स 7 AM इन द मॉर्निंग, आई एम जस्ट हेडिंग आउट फॉर द जिम. नॉर्मली वर्किंग डेज में इतना ज़्यादा बाइक चलाने का टाइम ऑब्वियसली नहीं मिलता, सो आई एम ट्राइंग टू टेक माई टाइगर टू द जिम टूडे. लेट्स गेट ऑन द बाइक. यहाँ देखो थोड़ा सा बाइक पे डस्ट है, कराएंगे यार साफ. ये हमारी लास्ट वीकेंड राइड थी, 173.4 किलोमीटर्स कर रहे थे, सारे पहाड़ों में ही थे. सो यू कैन अंडरस्टैंड के ठीक ठाक माइलेज हुई थी, अच्छा खासा टाइम लगा था. 4.5 घंटे का राइड टाइम था, ब्रेक वेक मिला के अराउंड 6-6.5 घंटे हमने फुल राइड करी थी, सुबह 6 से लेकर दोपहर के 2 बजे तक. ओके. यहाँ पे ना बहुत सारे लोग साइकिलिंग के बहुत शौकीन हैं, तो ट्रैक की यहाँ पे 3 साइकिल्स पड़ी हैं. एक हाइब्रिड बाइक है, 2 रोड बाइक्स हैं एंड एक फायरफॉक्स की भी नॉर्मल पड़ी है. इस एरिया में क्या है कि लोगों को टेंशन नहीं होती कि बाइक कोई उठा के ले जाएगा, चोरी कर जाएगा. हिमाचल में ये थोड़ी अच्छी बात है. दिल्ली में ना ऐसा होता है कि बंदे को अपनी फ्लैट के बाहर, अपार्टमेंट के बाहर लिफ्ट लॉबी में भी अगर अपनी साइकिल रखनी हो ना तो उसको भी लॉक करना पड़ता है. कोई भरोसा नहीं कोई कहाँ से उठा के क्या ले जाए. ये है सुबह सुबह की पहाड़ों वाली धूप. ऐसे सूरज की तरफ देख रहे हैं ना, वाली फीलिंग आती है जैसे सचिन देखता था ना बैटिंग करने आने से पहले. सो मेरे घर से जो जिम पड़ता है दैट इज अराउंड 10 किलोमीटर्स, और 10 किलोमीटर्स आपको ऐसे पहाड़ों में जाना हो तो मान के चलो 20-22 मिनट तो लग ही जाते हैं. नॉर्मली जब मैं जिम जाता हूँ तो मैं अपनी बाइक लेके नहीं जाता. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज कि आई प्रेफर कि मैं हमेशा प्रॉपर राइडिंग गेयर पहने के रखूँ, राइडिंग बूट्स, राइडिंग पैंट, राइडिंग जीन्स. एंड आज वन ऑफ दोज एक्सेप्शनल डेज है जहाँ पे मैंने राइडिंग पैंट भी नहीं पहनी, राइडिंग जैकेट भी नहीं पहनी, ग्लव्स और हेलमेट पहने हैं. तो बाइक चलाएंगे हम बिल्कुल धीरे धीरे यार, 50-60, 50-60, इससे तेज़ नहीं चलाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चलाने की कोशिश करनी चाहिए. सो अगर आप देखो तो बाइक इस समय बिल्कुल ऐसे चलाई जा रही है जैसे बुलेट चलाते ना, चौथे पांचवें गियर पर डाल के 50 की स्पीड पे डुग 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 डुग. हम लोगों ने भी कॉलेज टाइम पे पता नहीं कैसे चलाई है बाइक यार. मेरे पास होती थी पल्सर 150 DTSI, डेफिनेटली मेल, 2004 की बात कर रहा हूँ, 4 की ही बात कर रहा हूँ. एंड बाय द वे यार नज़ारा देखो सुबह, ये जो है अपनी ब्यास रिवर जहाँ पे राफ्टिंग होती है. सो ये मर्ज हो गए हैं हम मेन हाईवे पे, देखो भुंटर मंडी चंडीगढ़ दिल्ली. थोड़ी सी आवाज़ सुनने का दिल करा यार हल्का सा. ये देखो यार ये होता है बड़ी बाइकों में प्रॉब्लम, हल्का सा भी रेव करो सीधे ऑलमोस्ट 90-100 पहुंच जाते हो. सो कहते हैं ना बड़ी मेहनत है पहाड़ों में. देखो जिम जाने के लिए भी नदियां पार करनी पड़ रही हैं. ये देखो ब्यास के ऊपर से जा रहे हैं हम. एंड ये जो आपको लेफ्ट पे पूरा का पूरा मैदान सा दिख रहा है जहाँ पे बच्चे अभी क्रिकेट विकेट खेल रहे हैं, ये एरिया जहाँ पे कुल्लू का फेमस दशहरा वाला मेला लगता है. काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है एंड दिस इज़ द प्रॉपर सिटी सेंटर. ये देखो ये है हमारी महान बस, पहाड़ों की ऐसी की तैसी करती हुई, धुआँ देखो कितना छोड़ रही है, डीजल के भभके मार रही है मुँह पे, बेकार है यार. ऐसी बसेस क्यों अलाउड है मुझे समझ ही नहीं आता. वी आर ऑलमोस्ट एट आर जिम. ये है यहाँ पे एक वन ऑफ द बेटर जिम्स, क्योंकि अब थोड़ी बहुत फैसिलिटीज़ तो आदत पड़ चुकी है यार के ऐसे चाहिए वैसी चाहिए. मतलब जिम एक्चुअली मेरी सोसाइटी में भी है जहाँ मैं रहता हूँ, बट वहाँ पे ना सारा ये बारबल वगैरह वाला सेटअप नहीं है, जस्ट प्लेन बेंचेस एंड डंबल्स के सेट्स हैं. थोड़ी बहुत मशीन्स वगैरह चाहिए होती हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं. यहाँ पे भाई का एक नया कल्चर है जिम का कि बाहर वाले जूते बाहर उतारो. सो सब लोगों ने ना यहाँ पे जूते बाहर रखे हुए हैं जो बाहर वाले पहन कर आते हैं, हमें भी वही करना पड़ता है. ये है अपना जिम.
So we are done with the workout. So it's now time to get started with the work day. Let's go home. So we are on the way back home. So ये है अपने घर की चढ़ाई. Literally तगड़ी वाली चढ़ाई है ये भी. GoPro पे दिखे ना दिखे, बट यहाँ पे ना कभी कभी ट्रक्स आ रहे होते हैं, कोई सामान वामान इधर उधर छोड़ने, वो फंस जाते हैं इस चढ़ाई पे. So ये है हमारा नाश्ता, 3 eggs का ऑमलेट एंड अ ब्राउन ब्रेड. ये हमने देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ पे रखा है. ये हम लोगों को एक लॉग ऑफ वुड कहीं से हम लेकर आए थे, इसको एज अ टेबल यूज़ करते हैं एंड बालकनी में बैठ के विद दैट सॉर्ट ऑफ अ व्यू थोड़ा नाश्ता करते हैं एंड फिर काम स्टार्ट करते हैं. देखा वीडियो के सामने खाते खाते खाना गिर गया मुँह से. आपको दिखाता हूँ मेरी रोजी रोटी कर्म भूमि कौन सी है. लोगों को लगता है यार कि बाइक ही चलाता है, मेरे बाइक से ही पैसे कमा रहा है, बाइक चला चला के. नहीं भाई, ऐसा सीन नहीं है, नॉर्मल नौकरी है. सो दिस इज माई वर्क स्टेशन एंड दैट इज द व्यू आउटसाइड. सो इस व्यू के सामने हम लोग अपना काम करेंगे, माय ऑफिस स्पेस. सो गाइज अभी हमारा जस्ट ऑफिस का काम खत्म हुआ है 5:30. अभी थोड़ा बहुत रहता है करेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट कोरियर आया है, वो आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या है. एक्चुअली बस लुकिंग टू गेट सम स्टिकर्स विद द ब्रांडिंग ऑफ 23 राइड्स. इसको यूज़ करना चाहता था मैं टाइगर 900 पे लगाने के लिए, इसुज़ू पे भी लगाएंगे एंड ऐसी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा विजिबल है वहाँ पे थोड़ी सी ब्रांडिंग करेंगे सोच समझ के. सो दीज आर द स्टिकर्स. आई ऑर्डर्ड दीज स्टिकर्स फ्रॉम दिस कंपनी कॉल्ड क्राफ्टिक्स डिजिटल. अब देखते हैं इसकी कैसी क्वालिटी है. So this is the packaging. देखते हैं क्या है ये. So different sheets में आए हैं जिसमें से हम peel off करके लगा सकते हैं. चलते हैं bike पे लगा के एक बार देखते हैं कैसा लगता है. The big problem that has happened is ये जो text लिखा है ना इस पर, this is all in black. Now I need a light color. Bike का color तो है dark green, तो उस पर लग के इतना ज़्यादा visible है नहीं. यहाँ पर हमें actually चाहिए था white color में लिखा हुआ 23 rides, तभी visible होता. But एक जगह जहाँ पर ये perfectly visible है, ये वाली जो white stripe है इस पर perfect लगेगा. So this is where the first sticker goes. बीच में लगाते हैं यार, बुरा ना लगे. ये आ गया स्टिकर, इस पर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है. एंड दूसरी साइड पे भी ये लग चुका है एकदम परफेक्ट, टाइगर 900 के नीचे 23 राइड्स. सो इस बात पे सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर देख रहे हो वीडियो को तो. सो चलते हैं बाइक धुलवाने एंड बाइक को थोड़ा क्लीन कराते हैं, जिससे बाकी जो एक दो स्टिकर लगाने हैं विंडशील्ड वाला जो लगाना है वो क्लियरली साफ सुथरा लगे, क्योंकि उसमें मिट्टी फंसी हुई नहीं तो बहुत बुरी लगती. सो बाइक धुलवाने जाने के लिए ना जस्ट पास में ही जाना होता है, ऐसा कोई दूर है नहीं सीन. फला मैं यहाँ धुलाई के लिए ले तो आया हूँ, पर घूमेगी कैसे यहाँ बाइक. ये आगे बस एक जगह नहीं मारना, आगे रेडिएटर पे. ये सामने देख रहा नीचे तो बने हुए, इस पे डायरेक्ट नहीं मारना बस. सो ये है यहाँ की स्ट्रगल. मैं बाइक को भी धुलवाने लाया था एंड यहाँ पे जस्ट अभी लाइट चली गई है, पता नहीं कब आएगी बाइक, धुल पाएगी नहीं धुल पाएगी कुछ नहीं पता अभी. देखो नहीं तो घर जाके कपड़े से साफ करेंगे और क्या. एंड बोलते बोलते ही आ गई लाइट. ये देखो हो गया काम स्टार्ट. शैम्पू वैम्पू मतलब बिल्कुल नहीं मारना, ठीक है. हाँ मतलब आप सिर्फ पानी से धो दो, नीचे वाला पोर्शन चेन वेन वगैरह वाला ढंग से साफ कर दो, ठीक है. सो ऑल सेट, द बाइक इज रेडी एंड लेट अस. कुछ रह तो नहीं गया ना. हाँ ठीक है, चढ़ा दो. दैट इज हाउ वी आर एंडिंग आवर डे टुडे. नथिंग मच एज यू सॉ. हमारी लाइफ में भी बिल्कुल वही सेम सीन है आप लोगों का, जैसे 90% 95% लोगों का होता है. 9 to 6 स्लॉग एंड आसपास उसके जो थोड़े बहुत फन हो सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं. एंड आसपास का मौसम देखो, अब हम क्या करेंगे, चिल मारेंगे फैमिली के साथ, थोड़ा रिलैक्स करेंगे एंड दैट इज़ हाउ वी एंड आर वीक डे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज. ये थोड़ा सा डिफरेंट बनाया था, अगर ये अच्छा लगा आप लोगों को तो मैं भी थोड़ा सा आपको जो डे टू डे थोड़ा बहुत डिफरेंट होता रहता है, सेम चीज़ तो ऑब्वियसली नहीं दिखाना चाहूँगा, बट जो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है वो आपको दिखाता रहूँगा. बट दैट विल ऑल डिपेंड ऑन योर कमेंट्स इन द सेक्शन बिलो. थोड़ा सा फीडबैक देना ये वाला फॉर्मेट कैसा लगा. एंड आई विल सी यू सून. बाय बाय.